मूफार्म राजस्थान में अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से डेयरी व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। इसकी सेवाओं के अंतर्गत कई लाभकारी हैं, जैसे किसान मुसाथी सुविधा के माध्यम से पशुओं गुणवत्तापूर्वक चारे और कृषि प्रबंधन सलाहकार सेवाओं तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, जो किसानों के लिए बेहतर दुग्ध उत्पादन और बेहतर मूल्य पाने में सहायक हो सकते हैं। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति या किसान कस्टमर बेस तक उचित पहुंच के माध्यम से सुपर साथी नामक विशेष फीड वितरक बनने के लिए साइन अप कर सकता है। ये सब संभव हुआ है एक एकीकृत मूफार्म एप्लीकेशन के माध्यम से। इसकी स्थापना 2019 में परम सिंह, आशना सिंह, जितेश अरोड़ा और अभिजीत मित्तल द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। आइए हम बात करते हैं मूफार्म व पशुपालकों से। मूव फार्म से जुड़ने के बाद जो ये पशुओं का ये फीड है बहुत ही लाभदायक है। इसमें जो पशु को देते हैं इससे क्या पशु एक तो हष्टपुष्ट रहता है, दूसरे इसमें दूध में जो फैट बढ़ता है और फैट बढ़ने से क्या जो किसान है जो दूध को बेचते सेल करते हैं उनकी इनकम बढ़ती है, आर्थिक में सुधार होता है। और जो मूव फीड है ये क्या कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर और ये पशु आहार बनाया है मूव फीड। तो इससे क्या है कि जो इसके साथ साथ क्या है कि पशु आहार के साथ जो जानवर रखते हैं पशुओं को फीड देते हैं तो उनके अगर डॉक्टरों से भी सलाह लेकर देते हैं। दूसरी बात है कोई भी जो भी प्रॉब्लम आती है कि पशु बीमार होते हैं तो उनके लिए के डॉक्टर वह जो सेवाएं देते हैं मतलब ये कंपनी है जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं जो किसानों को क्या है कि ये जो पशु बीमार होते हैं उनको दिखाते तो उनको सही सलाह देते हैं कि कैसे आप ये मूव फीड आहार दो। गाय है भैंस है इन सबको देते हैं, सभी रिजल्ट अच्छा है और इसके लिए आप ये सामने बैठने से आप पूछ सकते हो कि ये देते हैं। इसमें क्या जैसे 1 किलो दूध है तो 1 किलो दूध में क्या है कि 400 ग्राम में मूव फीड दिया जाता है। तो शुरू में क्या है जैसे पशु को ये देते हैं तो क्या है कि वो खाते नहीं है, फिर बाद में उनको धीरे धीरे आदत हैबिट बढ़ जाती है तो क्या कि थोड़ा थोड़ा मिला के जैसे चारे में है और है जो भी है खड़े उन्हें मिला मिला के देते हैं तो उनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया इसका। और इससे क्या कि पशु बीमार भी नहीं होते हैं, हष्टपुष्ट रहते हैं, गर्भाधान खत्म हुआ है। तो इन सब की वजह से क्या है कि दूध में फैट आने की वजह से और वो दूध का बढ़ने की वजह से किसानों को है जो आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है तो उनकी इनकम बढ़ती है, दूध सेल करते हैं तो काफ़ी मुनाफा मिलता है। इससे क्या कि जो क्या कि इस कंपनी ये भी बताती है कि आप जो जानवर पशु रखते हो उनको दूध वाले हैं तो उनको किस हिसाब से मूव फीड दिया जाता है। जैसे 1 किलो दूध देता है उसके लिए 400 ग्राम मूव फीड आप दो। जो भी कोई समस्या है तो आप ये कंपनी कहती है कि आप हमसे मतलब ऑनलाइन वैसे भी आप पूछ सकते हो, कैसे भी जो भी है आप हमें समस्या बताओ तो हम आपका सॉल्यूशन देंगे। जो किसान इसको तरीके से देते हैं मूव फीड को उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कई किसान क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कम जानवर रखते हैं वो उनको सुबह का शाम का चारा माटी के साथ दे देते हैं, तो तरीका नहीं उनका देने का जैसे तरीके से देते हैं कि जानवर से उनको जाते उसको स्वाद का बोलिए तो जैसे पहले कोई सा भी बाट दे रहा उसमें जैसे मैं मान लो 1 किलो बाट वो दे रहा है तो 200 ग्राम ये मूव फीड फिर इसमें सप्ताह के बाद में 500 ग्राम फिर इसे करते करते ये खिलाने लग गए तो उनको किसानों का बढ़िया रिजल्ट मिला है। हमारे घर में भी भाई साहब ने जानवर रखते हैं वो भी ले जाके दिए हैं तो उन्होंने भी बढ़िया रिजल्ट दिए। जैसे एक्सप्रेशन आता है फैट है जिसे ताज़ा जानवर गया हुआ है वो तो दूध में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। कि पहले 5 लीटर दूध देते थे ना पहले गए गाँव में वो 5.5 लीटर तो दूध बढ़ा है इसे और जानवर अच्छा रहता है अच्छे तरीके से पचाओ।